हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का चैप्टर जो है वो मॉस्फेट के ऊपर बेस करता है, चैप्टर 12 वाली बुक में। और सिमिलरली जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम JFETs के बारे में पढ़ा था, और मॉस्फेट्स का भी जो बिल्कुल वर्किंग प्रिंसिपल है बिल्कुल सिमिलर है टू मॉस्फेट। तो JFET और जो डिप्लीशन मोड मॉस्फेट है, इनका आपस में जो रिलेशन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो सेम है। और जबकि जो एनहेंसमेंट मोड मॉस्फेट है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका रिवर्स है एज कम्पेयर टू JFET। तो डिप्लीशन मोड मॉस्फेट जो है, इसकी आपको ये जो फिगर है आपको शो हो रही है, इसमें जो इसमें चीज़ ऐड की गई है, एक तो पी सबस्ट्रेट है और डिफरेंट ऐड किया गया है, और इसके साथ इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो डोपिंग की गई है गेट के साथ, ये इसमें डिफरेंस है JFET और जो डिप्लीशन मोड मॉस्फेट है। और JFET में भी यही था कि हम जितनी नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके लिहाज से जो होता है आपका मैक्स मिनिमम लिमिट हो जाता है ड्रेन करंट जो है। सिमिलरली जो है, आप अगर इसमें जो डिप्लीशन मोड मॉस्फेट है, इसमें आप नेगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, इतनी एनफ हो के आपका जो ये मॉस्फेट है आपका, उसमें ड्रेन टू सोर्स करंट जो आपका लिमिट हो जाता है, यानी कि इसका कम हो जाता है। मोर नेगेटिव वोल्टेज होगी, गेट वोल्टेज आपकी अप्लाई करेंगे तो आपका ये कट ऑफ वोल्टेज यानी कट ऑफ हो जाएगा आपका ड्रेन करंट जो है इसमें। और सिमिलरली इसमें हम पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डिप्लीशन मोड मॉस्फेट के अंदर। और इसमें जितनी यानी कि वोल्टेज आपकी ज़्यादा होगी, आपकी गेट वोल्टेज, उसके लिहाज से आपका जो है मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करेगा बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स जो है। डी मॉस्फेट कर्व्स जो है, इसमें हम देखते हैं, इसमें एक रिलेशन इसने गिवन किया हुआ कि आपका ड्रेन करंट जो आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका VGS के ऊपर, यानी कि आप जो गेट सोर्स वोल्टेज अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, आप कितनी नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या कितनी पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है ड्रेन करंट आपका कितना लिमिट हो रहा है, या कितना आपका मैक्सिमम जा रहा है, या कितना मिनिमम हो रहा है। तो इसमें कर्व्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये फॉर एग्जाम्पल हम इसे ड्रेन कर्व को ले लेते हैं ये, और इसमें हम देख रहे हैं कि आपका ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका VGS आपका 0, उसमें आपका जो ड्रेन करंट आपका फ्लो हो रहा है वो इतना है आपका, जो कि इक्विवेलेंट है ड्रेन सोर्स विद सैचुरेटेड करंट जो है आपका IDSS, जो आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट विद शॉर्टेड गेट जो है, मतलब यहाँ पे ये शॉर्टेड के का आपको बता रहा है सिचुएशन, जब आपका गेट सोर्स वोल्टेज आपका गेट सोर्स वोल्टेज जो आपकी शॉर्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ, तब आपकी जो ड्रेन करंट है वो इज इक्वल टू दी IDSS। ये IDSS हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रेन सोर्स करंट विद शॉर्टेड गेट जो है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें कि आपका VGS आपका जब आपको पॉजिटिव एनफ है यहाँ पे, तो आपका ड्रेन करंट जो है मैक्सिमम आपका फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है फिगर में। सिमिलरली अगर आपका गेट सोर्स करंट जो आपका नेगेटिव एनएफ है, तो आपका फॉर एग्जाम्पल -1 -2 है, तो उसमें आपका ड्रेन करंट देखने लिमिट हो गया यहाँ पे, जो कि मैंने आपके ऊपर जो बात डिस्कस की थी वो भी इसी तरह ही वो यहाँ पे यानी को बता रहा है ड्रेन कर्व्स के थ्रू, कि कैसे करंट मैक्सिमम हो रहा है, किस तरह मिनिमम हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन VGS वोल्टेज जो है आपकी। तो ये आपको मैं आप एग्जांपल में बताऊंगा इस फॉर्मूले को उसने यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ आपको डाटा शीट पे गिवन है, VGS ऑफ जो है IDSS भी आपको गिवन होती है उसके ऊपर डाटा शीट पे। VGS को आप वेरी करते हैं, जो आप पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं या आपको नेगेटिव करते हैं या आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, और आप इसी लिहाज से आपका ID करंट जो आपका इस फार्मूले के थ्रू आपके पास आ जाएगा। अब इसमें फिगर में जो आपको बता रहा है कि जब आपका VGS ये आपका ऑफ है, इस केस के अंदर जब आपका VGS मतलब आपने इतनी अप्लाई नहीं की आपने गेट के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपका जो है यहाँ पे ऑफ है, अगर आप इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं, तब आपका ड्रेन करंट इंक्रीज करता है, और ये जो आपका रीजन है इसमें आपका डिप्लीशन मोड है, मॉस्फेट जो है डिप्लीशन मोड काम करेगा। और इसके बाद की जो बात है वो उसमें ये है कि आपका जब फर्दर आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, आप VGS को इंक्रीज करें, ये आपकी नेगेटिव साइड है और आपका ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड जो मतलब ये काफ़ी, जब VGS आपकी पॉजिटिव होती जा रही है, तो उसमें आपका जो मॉस्फेट है एनहेंसमेंट मोड में काम कर रहा है, जिसमें आपकी ID करंट जो आपका मैक्सिमम चला गया। हमारे पास दो तरह के मॉस्फेट होते हैं, एक डिप्लीशन मोड मॉस्फेट है और एक हमारे पास एनहेंसमेंट मोड मॉस्फेट है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक को बता रहा है। और इसमें
सिंबल्स आपको ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, आपका ये मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट है, आपका डिप्लीशन मोड के अंदर हो रही है, आपका पी चैनल है। एग्जांपल हम लोग इसमें देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आपके पास VGS ऑफ जो है -3 वोल्ट है, और जो VDSS है आपके पास 6 mA है, सॉरी IDSS जो है 6 mA है। ये आपके पास डाटा शीट के ऊपर गिवन होती है वैल्यूज। इस तरह हम लोग ने ड्रेन करंट फाइंड करना है, और इसमें आपने वही बात कर रहा है कि VGS आपने डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई की है, -1 वोल्ट, -2 और फिर 0, फिर +1 और +2। उसने इस फार्मूले को यूज़ किया है, इस वाले फार्मूले को उसने ड्रेन करंट फाइंड करना है, जिसमें उसने VGS को वेरी किया, और ये दो चीज़ें आपके पास डेटा शीट पर गिवन है। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, ये वैल्यूज आप लोग उसमें पुट करेंगे, आप VGS को वेरी करेंगे, उसके लिहाज से आपके पास ड्रेन करंट आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपके पास फिक्स हैं। एनहेंसमेंट मोड मॉस्फेट जो है, इसका बेसिक आइडिया ये है कि आपका ये स्विचिंग प्रिंसिपल के लिए यानी कि काम आता है, यानी कि मोस्ट ऑफ जो डिवाइसेस जो है आपके, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो ई मॉस्फेट के ऊपर बेस करता है, और ई मॉस्फेट की जो एप्लीकेशन अब बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और बेसिकली हम इसको एज ए स्विचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें अगर हम लोग इतनी चीज़ याद रख सकते हैं कि जब आप इसको पॉजिटिव गेट वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे, तो अभी ये एज अ स्विचिंग डिवाइस आपके काम करेगा और ये ऑन हो जाएगा, और जो भी आपके पास ड्रेन सोर्स के दरम्यान में जो भी डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी वो आपकी ऑपरेट करेगी। इसी सिमिलरली जब आप इसको 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो जब आपका ड्रेन सोर्स जो है वो ऑफ हो जाएगा, और आपके जो डिवाइस जो ड्रेन सोर्स के दरम्यान में लगी होगी, ड्रेन टू सोर्स में आपको कोई करंट नहीं पास करेगा, और ये एज अ ऑफ मतलब एज ऑफ ऑपरेट करेगा ये, और आपकी जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाएगी। इसमें ये इसकी बायसिंग टेक्निक से बताई हुई है कि आपने गेट सोर्स जो है आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह, अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करें, तो इसमें यह है कि जब आप गेट सोर्स वोल्टेज को आप पॉजिटिव यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे होल्स जो हैं आपके मैक्सिमाइज होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पी सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन होल्स को यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पास होंगे उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक एक लेयर एक फॉर्म हो जाएगी, एक जिसका नाम वो इन्वर्जन लेयर के नाम ले रहा है। इन्वर्जन लेयर जो है आपकी, जितने आपके वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगी आपकी, उतने ज़्यादा होल्स होते जाएंगे, और आप इसमें पी सबस्ट्रेट के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको उन होल्स को वो फिल करते जाएंगे, उसके लिहाज से ये इन्वर्जन लेयर आपकी थिक होती जाएगी। इन्वर्जन लेयर जब ये आपकी बन गई है, यानी कि आप ये मैंने इन्वर्जन लेयर बनाई है, तो उसके लिहाज से आप क्या होगा कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करेंगे फ्रॉम दिस एंड, और इस इन्वर्जन लेयर के ऊपर से ये एक पाथ उनके लिए बन गया है कि वो इन्वर्जन लेयर के ऊपर ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के पास चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, ये एक पूरा सर्किट यानी कि यहाँ पे कंडक्शन, और जो इसकी आपस में यहाँ पे यानी कि जो भी दरमियान में यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने मोटर लगाई हुई, तो ये मोटर ऑपरेट करना शुरू कर देगी। इस इन्वर्जन लेयर की वजह से इनका कंडक्शन होती है दो चैनल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से डिवाइस जो है आपकी ऑपरेट करती है। ये उस टाइम पे होगा जब आपके पास पॉजिटिव गेट वोल्टेज आप लोग अप्लाई करेंगे एनहेंसमेंट मोड के अंदर, और ये आपको बता रहा है ड्रेन कर्व है। ड्रेन कर्व ये है कि जीएस आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी तो आपका ड्रेन करंट फ्लो करेगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो हो आपके पास डेटा शीट के ऊपर गिवन होती है, अगर आपके पास गेट वोल्टेज आप उतनी अप्लाई कर रहे हैं जो आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड वोल्टेज 3 है और आप गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 2 वोल्ट, तो फिर आपके पास ड्रेन करंट आपके पास 0 आएगा। आपके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे गेट वोल्टेज के ऊपर, तो आपके पास ड्रेन करंट फ्लो होगा। सिमिलरली इसमें बताया हुआ है मैक्सिमम आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज आपने पॉजिटिव 15 वोल्ट अप्लाई किया, जिसमें लिहाज से आपके पास ड्रेन करंट जो है फ्लो हुआ है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन जो है। आप इसमें भी आपके पास 3 रीजन्स है, जिसमें आपका जो कह सकते हैं हम कि आपके इन्वेस्टमेंट मोड मॉस्फेट जो काम करता है, एक तो है आपके पास एक्टिव रीजन है, ये आपके ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन, एंड दिस पोर्शन द पर्टिकल रीजन इज कॉल्ड द ओमिक रीजन। और हम ये आपके पास फिगर जो आपको शो कर रही है यही है कि आपके पास थ्रेशोल्ड से वोल्टेज आपके पास कम है, तो आपके पास 0 करंट है ड्रेन सोर्स करंट, और जो जो आप लोग मैक्सिमम आप करते जाएंगे गेट सोर्स वोल्टेज को, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे
आपका जो MOSFET है वो आपका ओमिक रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा। और ओमिक रीजन हम इसको इसलिए कहते हैं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस बन जाती है जिसको हम कह देते हैं कि RDS हमारे पास बन जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बन जाती है। जब आपका ट्रांजिस्टर जो है आपका बिल्कुल टर्न ऑन हो जाएगा, तो इससे पहले पहले ओमिक रीजन से पहले पहले आपका ट्रांजिस्टर जो है एज एन एक्टिव रीजन ऑपरेट करता है। इसमें आपका मिनिमम करंट होता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और लेकिन जब आपके पास ओमिक रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है एनहांसमेंट मोड MOSFET, तो उसमें आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो हो रहा होता है। ड्रेन कर्व्स की ये मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है, सारी बातें जो उसने यहाँ पे लिखी हुई है ये सारा कुछ इन्हीं फिगर्स का एक्सप्लेन कर रहा है। और स्कीमेटिक सिंबल्स इसके ये हैं, ये आपका एन चैनल है, ये आपका पी चैनल है, ज़्यादातर हम लोग एन चैनल यूज़ करते हैं। और अब वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांजिस्टर ये है, उसकी गेट सोर्स मैक्सिमम रेटिंग जो आप यानी कि कितनी अप्लाई कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि 20 वोल्ट अप्लाई कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आप लोग अप्लाई करोगे तो आपकी जो इंसुलेटिंग लेयर है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की है। और इसको हैंडलिंग करना भी जो है, यानी कि एक MOSFET को हैंडल करना भी एक काम एक मायने रखता है, क्योंकि इसमें MOSFET को अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपने सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें आपने MOSFET को एक चेंज कर दिया है, मतलब एक पहले कोई और लगा होता तो बाद में आपने दूसरा लगाया है, तो इस तरह हम लोग इसको नहीं करते। इसको आपने उस पूरे सर्किट को आपने इसकी जो सप्लाई होगी इसको ऑफ करना है, उसके बाद उसमें आपने चेंज करना है, वरना आपका जो MOSFET होगा जो नया लगाएंगे आप वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सिमिलरली आपने अगर ये आपको हैंडलिंग की बता रहे हैं, MOSFET को हैंडल किया किस तरह किया जाता है कि जब आपने इसको टच करना है MOSFET को, यू हैव टू ग्राउंड योर बॉडी विद चेजिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, कोई भी आपका मेटल इक्विपमेंट है किसी की बॉडी का, उसको आपने टच करना है, उसको फिर आपने उतारना है, एक हाथ से आप उसको टच कर लें, दूसरे हाथ से आप इसको MOSFET को उतार लें। आपको ड्रेन सोर्स ओमिक रीजन के अंदर आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब आप एक रेजिस्टेंस आपकी RDS ऑन के नाम से या आपको डाटा शीट के ऊपर गिवन होती है जो कि VDS ऑन ओवर ID ऑन है। तो इसमें उसने बताया कि ये एक ट्रांजिस्टर है जिसकी आपके पास VDS ऑन ये है और ID ऑन ये है, तो आपके पास RDS ऑन कितना बनेगा, 10 ओम बन जाता है। ये आपको मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये है कि ये आपको मैं बता देता हूँ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है। ये इसकी डाटा शीट है, डाटा शीट के अंदर जो है आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, और इसी तरह आपके पास ड्रेन मैक्सिमम ड्रेन करंट इसने बताया हुआ है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इसने बताई है। ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी है, उसमें उसने ये आपके पास देखो इसने VGS ऑन बताया हुआ है कि आप कितना मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं 3 वोल्ट तक जो है, उसके बाद RDS ऑन आपके पास आपने बताया हुआ है, ड्रेन सोर्स जो रेजिस्टेंस है उसके बाद इसने ड्रेन सोर्स ऑन वोल्टेज बताया हुआ है, जो हमें उसमें ऊपर इसने कैलकुलेशन बताई थी RDS ऑन को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास VDS ऑन भी था आपके पास होगा यहाँ पे, तो VDS ऑन सॉरी ये ड्रेन सोर्स ऑन है, यहाँ पे आपके पास VDS ऑन भी होगा गिवन। ये आपके पास ड्रेन सोर्स ऑन वोल्टेज जो है इस वोल्टेज को और ID ऑन जो है आपके पास ये ड्रेन सोर्स ऑन करंट, इससे आप RDS भी निकाल सकते हैं जिससे ऊपर निकाला हुआ है, इनकी मैक्सिमम रेटिंग से आप यूज करते हुए। ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके ये स्विचिंग पर्पस के लिए, हम जो MOSFET को देख रहे हैं हम इसको स्विचिंग पर्पस के लिए हम देख रहे हैं, तो हम हमारे पास डाटा शीट मेन जो है हमने इसको देखना होता है कि इसमें जो है आपके पास ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर
आपके पास कौन कौन सी फीचर्स हैं जो इसके उनकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, उनके पैरामीटर्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपने देखनी होती हैं, और उसके साथ साथ हमने जनरल वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए कि इसका मैक्सिमम ड्रेन करंट कितना जा रहा है, तो हम कौन सी डिवाइस ऐसी कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं ताकि उसमें उस डिवाइस को उसका प्रॉपर करंट मिल सके ड्रेन और सोर्स के दरमियान में जो है। आपके पास ओमिक रीजन के अंदर आपने बायस करना है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस फिगर को जो कि यहाँ पे शो हो रही थी, इसको फर्दर एक्सप्लेन यहाँ पे बेटर किया जा सकता है। तो अब उस सारी से बात यहाँ पे ये आपने सबसे पहले लोड लाइन ड्रा करनी है, फिर आपने क्यू पॉइंट आपने फाइंड करना होता है। इसके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसे हम पिछले ट्रांजिस्टर्स के अंदर करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आईडी सेचुरेशन कैलकुलेट करना है, आईडी सेचुरेशन के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे VDS कट ऑफ हमने फाइंड करनी है। आईडी सेचुरेशन जो है आपका फॉर्मूला पता है, VDD ओवर RD है यहाँ पे। अब वो एक सिंपल बता रहा है बात के जब आपका आईडी सेचुरेशन जो होगा, आईडी ऑन जो आपके डेटा शीट के ऊपर गिवन आईडी ऑन, इससे अगर आपका पास कम है तो अब आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है ओमिक रीजन के अंदर, ये आपका ओमिक रीजन है। और इसी तरह आपका जो क्यू पॉइंट जो है, क्यू टेस्ट पॉइंट से आपका नीचे है, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा क्यू क्यू पॉइंट किस तरह निकालना है। सिमिलर है बिल्कुल आपका JFET की तरह, जैसा हमने JFET में किया था क्यू पॉइंट निकाला था। जब आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज जो है आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज है तब आपका क्यू पॉइंट यहाँ पे आएगा, और जब आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज आपके पास जीरो है फॉर एग्जाम्पल, तब आपके पास जो उसका ड्रेन करंट है फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रेन करंट बिल्कुल पास नहीं होगा और आपके पास ये कट ऑफ में चला जाएगा, आपके पास यहाँ पे जीरो चला जाएगा, ड्रेन करंट चला जाएगा। और हम इसका एग्जांपल करते हैं, आपको इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे कर लेते हैं एग्जांपल के अंदर। तो हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है फिगर 12-14, ये हमारे पास 12-14 फिगर है, और हमें इसको स्विचिंग देखनी है कि जीरो के ऊपर जो आपके पास ये कट ऑफ में चला जाएगा, और जब आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज आएगी तब ये आपका एक तरह से एक रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी जिसको हम कह रहे हैं कि एक जब आपका ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग पर्पस के अंदर ऑन होता है तो अब एक इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस बन जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओमिक रीजन के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, इसकी हमें डेटा शीट के अंदर वैल्यूज का पता है, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं, ये टेबल के ऊपर से वहाँ पे टेबल से इसने वैल्यूज ली हैं, आप लोग इस टेबल में चेक कर सकते हैं, यही वैल्यूज हैं। 4.4 वोल्ट है VGS ऑन जो है हमारे पास, आईडी ऑन जो है 75 मिली, 4.4 वोल्ट हमें यहाँ से पता चला है, और उसके बाद टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं जाके डाटा शीट के अंदर, उसमें वो गिवन है, टेबल 12.1 की बात कर रहा है ये आपका ये VGS ऑन ये है आपके पास, और आईडी वगैरह ये चीज़ें गिवन है आपके पास। तो आप लोग वहाँ से डाटा शीट में भी देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर ये वाला यूज़ हो रहा है, तो डेटा शीट से भी कंफर्म कर सकते हैं। आपके पास आईडी ऑन जो है 75 mA, RDS ऑन जो है 6 ओम है, ये आप डेटा शीट से देख सकते हैं। तो अब आईडी सेचुरेशन आप लोगों ने फाइंड करना है, आईडी सेचुरेशन क्या है आपके पास, VDD ओवर RD जो है लोड लाइन, हम लोगों ने सबसे पहले हमने लोड लाइन ड्रा करनी है, तो आईडी सेचुरेशन हमने फाइंड किया VDD ओवर RD, VDD आपके पास 20 वोल्ट है और RD आपके पास 1 किलो ओम, 20 mA आ जाता है आपके पास, ये आपके पास 20 mA आ गए, ये हम लोड लाइन ड्रा कर रहे हैं ये वाली। और जो दूसरा पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट जो है आपका VDS इज इक्वल टू VDD है, इसमें आपका जाहिर सी बात है VDS कट ऑफ जो है आपका, कट ऑफ के पॉइंट के ऊपर क्या होता है आपका VDS जो है आपका, जो कट ऑफ है ठीक है वो आपका बन जाता है इक्वल टू VDD जो है। क्योंकि आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट होता है VDS, ये कट ऑफ जो है आपके पास, और ये आपका आईडी जो है आपके पास जीरो हो जाता है, इसमें आपका ड्रेन सोर्स करंट जो है आपका कोई अप्लाई, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट वो है आपके पास जहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन है, और एक वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो ऑफ के अंदर तब होगा जब आपके पास ड्रेन करंट जो है, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, यहाँ से ओपन है यहाँ पे ठीक है, तो ओपन है तो आपके पास VDS जो है आपके पास ड्रेन सोर्स जो होगी आपके पास वो इज इक्वल टू VDD हो जाएगी।
अब क्योंकि ये ओपन है तो जाहिर सी बात जो पीछे से वोल्टेज आ रही है इसके ये यहाँ पे ओपन वोल्टेज आ जाएंगे, वीडीडी के इक्वल आ गए, यहाँ पे आपके 20 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक हो गया, और हमने ये यहाँ पे 20 वोल्ट लिख दिया, ये हमारे पास लोड लाइन बन गई ये वाली। ठीक, और हम लोगों ने अब क्यू पॉइंट फाइंड करना है। क्यू पॉइंट फाइंड करना है तो हमारे पास ये वाला क्यू पॉइंट जो है हमारे पास ये जो जब आपका ट्रांजिस्टर जो है ओमिक रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है, ये आपका ओमिक रीजन है और इसमें आपका ट्रांजिस्टर जो ऑन है, तो क्यू पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो आईडी हमारे पास क्या है, वीडीडी ओवर आरडी प्लस आरएस, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो गया और उसमें एक रेजिस्टेंस बन गई है आपकी। ठीक है, और जो 6 ओम है आपके पास आरडी ऑन है, और इसमें आपके पास आरडी ऑन आएगी लाजमी, आपका ट्रांजिस्टर जो है रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपका करंट जो फ्लो करेगा वो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें वीडीडी, ये वीडीडी ओवर आरडी, ये आपके पास आरडी है और आपके पास आरडी ऑन है, आरडी ऑन है, तो आपके पास ये 19.88 mA आ जाते हैं करंट। और अगर आप लोगों ने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने तो सिमिलरली आपके पैरेलल वोल्टेज डिवाइडर रूल आप लोग यहाँ पे लगाए हो वी आउट के, इसके अक्रॉस फाइंड करने तो 6 ओम, ये आपको मैं उस बुक वाले तरीके के बता रहा हूँ कि उसने फाइंड किया 6 ओम डिवाइड बाई 6 + 1 किलो ओम, ये उसने फाइंड किया पैरेलल वोल्टेज वाला फार्मूला लगाया। तो हम दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी मैंने इस फार्मूले से थ्रू किया कि वीडीडी माइनस वीडी, हमने यहाँ पे वीडी फाइंड करना है, तो वीडी इज इक्वल टू वीडीडी माइनस आईडी आरडी। वीडीडी आपके पास 20 वोल्ट है, आईडी आपने फाइंड कर लिया हुआ है, आरडी आपके पास 1 किलो ओम है, तो आपके पास 0.12, ये भी सही है आपका फार्मूला। दोनों के थ्रू जो आपके पास सेम ही आते हैं, ये आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी थी जो रिक्वायर्ड थी हमें, वही आउटपुट वोल्टेज ये है। अब इस केस में क्या है, जब आपके पास ट्रांजिस्टर जो है ऑफ है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट नहीं कर रहा है यहाँ पे ऑफ है, तो अब आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो क्या आएगी और आपके पास आईडी करंट क्या आएगा। ऑब्वियसली जब ये ऑफ है तो करंट ने तो फ्लो करना नहीं है, तो आपके पास आईडी आपके पास 0 एम्पीयर है, ये आपके पास 0 एम्पीयर हो गया, और वी आउट आपके पास क्या होगी, वी आउट इक्वल टू वीडीडी हो जाएगी जो आपका ये है 20 वोल्ट, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था ये चीज़। ये आपका क्यू लोअर पॉइंट है जब आपका कट ऑफ के ऊपर होगा, और जब आपका क्यू अपर पॉइंट है जब आपका ट्रांजिस्टर ओमिक रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग से पूछ सकते हैं। और अगर नेक्स्ट ये जो है आपके पास एप्लीकेशंस ने बताई है यहाँ पे आप, यानी कि एलईडी को आप ग्लो कर सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के थ्रू, इसी तरह आप जो है यहाँ पे आप रिले को ऑन कर सकते हैं इस ड्रेन सोर्स के दरमियान में रिले को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये इसकी जो एनर्जाइजिंग कॉयल जो है आपने ड्रेन सोर्स के दरमियान में लगाई, ये आपका ड्रेन है और ये आपका जो है सोर्स है, इसमें आपने एनर्जाइजिंग कॉयल लगाई, आपने इसको एनर्जाइज किया, रिले ऑफ ऑन हो गई और यहाँ पे आपकी जो भी डिवाइस लगी होगी इनके आपस में दरमियान में वो ग्लो कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑपरेट कराना है कोई मोटर ही ऑपरेट करवानी है, तो जब आपकी ये एनर्जाइज होगी ये स्विच ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी अगर मोटर कोई लगी हुई है तो वो आपकी ऑन हो जाएगी इस वोल्टेज के थ्रू, 120 वोल्ट एसी के थ्रू। तो ये आप लोगों ने एग्जांपल्स लाजमी करनी है, ये एग्जांपल्स आ सकती हैं एप्लीकेशन वाली भी, और अगर किसी को कोई अगर इसमें क्यूरी होगी तो वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।